जय जगन्नाथ। नेशनल स्कॉलरशिप वर्तमान अप्लाई होची, आपण माने पकेई परिबे, आपण माने पाई परिबे, जदि आपण मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करथबे, 50% मार्क रखिथबे लास्ट एग्जाम रे, तबे आपण एलिजिबल आउ आपण अप्लाई करि परिबे। तो यार अप्लाई प्रोसेस पई मु फर्स्ट पार्ट रे रजिस्ट्रेशन जोटा ओटीआर तार वीडियो करथिली, सेकंड पार्ट रो वीडियो आनथिली। बहुत जणकर कंप्लेन थिला भाई वीडियो आनो, एक्चुअली जे पर्यंत मु सक्सेसफुली अप्लाई न करे से पर्यंत वीडियो आनेनी। सो सर्वर प्रॉब्लम थिला, मे बी आउ किछि सारा इश्यू थिला, जोंति पई नो स्कीम अवेलेबल एमती एरर आसुथिला। तो तार सॉल्यूशन कला परे फाइनली वीडियो सबमिट करके फाइनल ए टू जेड नहीं कि आरंभ रु शेष पर्यंत कर देछि वीडियो। तो पूर्व जो मैंने ओटीआर वीडियो देखिथिलो सेमनक पई सुविधा हबो, डायरेक्टली लॉगिन करबो आउ अप्लाई रो प्रोसेस रु मु वीडियो आरंभ करछि। जो मैंने ओटीआर रो वीडियो देखिनाओ दय करि ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन को जानतु, पार्ट वन रो वीडियो रा जोडा अछि ओटीआर सेडा मध्ये मोबाइल ले करि परिबे, ता वीडियो देखंतु, रजिस्ट्रेशन करंतु आ कंप्लीट कला परे ए वीडियो टा जोडो आरंभ करछि सेटी करंतु। डिटेल्स रे वीडियो टा को देखबे, छोटो छोटो पार्ट जदि मिस कर जिवे लास्ट को आपन को सेम प्रॉब्लम रे पहुंची जिवे, नो स्कीम अवेलेबल। सो वीडियोटा आपण मानको पई घरे बसी अप्लाई करि परिबे। ए वर्ष कोनोसी बोनाफाइड सर्टिफिकेट रो टेंशन नै, अप्लाई करले फॉर्म प्रिंट करिवे नै कि कॉलेज रे दे देबे सल्ला। अगुरु थिला बोनाफाइड कार्ड ए कार्ड ए सब जिंस जाई छे। तो चलंतु आरंभ करिया वीडियोटा। जय जगन्नाथ। देखंतु प्रथमे आपणकर ओटीआर सल्ला परे आसीबे एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप रो ऑप्शन, किंबा प्रोफाइल लॉगिन करतिबे जति अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप रो आपण ऑप्शन मिल जिवो। लॉगिन कला परे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप रो जो ऑप्शन अछि ओटीआर परे, आ जो माने ओटीआर करि नाओ बा ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन वर्तमान सुधा करि नाओ मोबाइल माध्यम रे करि परिबो, केमथि करिबो जानिया पई ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे देखंतु आरो पूर्व पार्ट बा पार्ट 1 टा। पार्ट 1 पार्ट 2 भितर टिके लेट हे गला, ठीक अछि। चलंतु से सब कथा भितर डिस्कशन कर देबा, जानंतु कोन करिवे। जो माने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करछो तमहु गोटे यूजर आईडी आ पासवर्ड मिलथिबो, जोटा पासवर्ड तुम्हें निजे सेट कर लास्ट टाइम सेटा, आउ रजिस्ट्रेशन नंबर जोड़ा ओटीआर नंबर सेटा देखिए आपको लॉगिन करा पड़ो। जो मैंने करना वीडियो डिस्क्रिप्शन देखो ओटीआर केमती मोबाइल माध्यम कर फेस ऑथेंटिकेशन रे जानपर। तो सेकेंड दुटा पार्ट कर मीनिंग कि से जो प्रॉब्लम थिला इश्यू थिला नो स्कीम अवेलेबल से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन खोजिक बाहर करछि, आउ आज रो वीडियो पूरा डिटेल्स रे बनै छै, कारण जदि छोटो मिस्टेक भी कर दउ छथि आपनकर सेम प्रॉब्लम शो करै दबा आउ आपन सबमिट करि परिबेन। तो फाइनली वीडियो टाक पूरा सबमिट करबा पर्यंत करछि। देखंतु लॉगिन हे गला, लॉगिन हेला पर आपन अप्लाई फ्रेश ऑप्शन गुडे पाइबे, माय एप्लीकेशन जोडा अप्लाई कर सारला पर पाइबे। तो फ्रेश को जिबे प्रथमे नुवा स्टार्टिंग करछथि आई एग्री करिवे, जो माने रिन्यूअल करिवे से माने माय एप्लीकेशन रे जाई के रिन्यूअल करिवे एक्जेक्टली सेम प्रोसेस रे, ठीक अछि। तापर देखंतु आपन कोन करिया पड़ियो, स्टेट सिलेक्ट करिया पड़ियो ओडिसा, देन पी प्री मेट्रिक आउ पोस्ट मेट्रिक रो ऑप्शन थिबो, ता सहित स्कॉलरशिप स्कीम सिलेक्ट करिवे, इंटर्नशिप नहि, ठीक अछि। एतियो करिवे पोस्ट मेट्रिक आपन माने करिवे जेहेतु कॉलेज पढ़िलेनी, प्री मेट्रिक कॉलेज पूर्व स्कूल पिला करो। नेक्स्ट जिनस दउछि एतियो कला पर आपनकु माय एप्लीकेशन सेक्शन को आसीबे, प्रोसीड को जिबे। जदि अधारु कटि गुटा गला, मोर जेहेतु अधारु कटि गला नहले आपन डायरेक्ट सेउटु हि आस्तांदे। प्रोसीड के गले देखंतु आपनके एटी स्टेटस चेक रो ऑप्शन मिलिवो, ता सहित फिल एप्लीकेशन रो ऑप्शन मिलिवो, एंड विथड्रॉ एप्लीकेशन रो ऑप्शन मिलिवो। तो आपनकु एटी फिल एप्लीकेशन रे फॉर्म रे जिबाक पडिवो। माय एप्लीकेशन जिबे, फर्स्ट स्टेप गला आपनकु फ्रेश एप्लीकेशन इंटर्नशिप नुहे से स्कॉलरशिप सिलेक्ट करेंगे, एंड सेकंड ऑप्शन रे आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म को आसवे माय एप्लीकेशन सेक्शन रु, ठीक अच्छे। बुझीजु जिनस गुड़ा कौटी कौन हो पूरा आराम से निजे ट्राए करूँ। फिल एप्लीकेशन आपको देखो रजिस्ट्रेशन रो डिटेल्स आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह बापा ना माना पड़े आसो, बाकी आपको कास्ट सिलेक्ट करा पड़ो और रिलीजन हिंदू मुस्लिम जहाँ भी थी, एनुअल फैमिली इनकम जो आपको इनकम सर्टिफिकेट मेनसन थी सहीटा देते, इनकम सर्टिफिकेट स्कैन हो अपलोड हे, ता सहित प्लस टू सर्टिफिकेट भी अपलोड हम, आम मेट्रिक सर्टिफिकेट भी अपलोड हम, एंड आप सॉरी प्लस टू अपलोड हम, एंड आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट एस सी एस टी अपलोड हम, ठीक अच्छे। से तीन टा सर्टिफिकेट आपको दबा को पड़ो, जहाँ भी जो 64,000 अच्छी तो 64,000 देली। तापर आपणकर पेरेंट्स कौन करती देखिए, भितर कौ कम जो थी देखिए, नीचे किसी अदर्स सिलेक्ट करदे छाड़देवे, देन आप मेरीटल स्टाटस मेरीड अनमेरीड जहाँ भी थी आप देते अनमेरीड ही थे प्राय। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड जदि आप बापा माँ केवल गोटे झील तेल ये लगे ना भी न लगे, ठीक अच्छे। सिंगल चाइल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड मैंने गोटे झील केवल बापा माँ तेज ये लगे ना न लगे, देन पेरेन्ट्स जदि कह बची नए नट एप्लिकेबल से आज छाड़े, जब समस्ते बापा माँ थे ना आपतर अप्सन बाछे। तापर परमानेंट एड्रेस को आसपे जो आप डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर एंड रूराल किंवा अर्बान जो सिलेक्ट करेंगे,
ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସରି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟା ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଭିଲେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ନିହାତି ସୋ କରିବ, ଯଦି ସୋ କରୁନାହିଁ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନମ୍ବର। ଗାଁରେ ତ କାହାରି ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ନଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନମ୍ବର, ତିନିଟା ନମ୍ବର ମିନିମମ୍ ମାରିଦେବ, ଅତି କମ୍ରେ ତିନିଟା ବାଲା ନମ୍ବର। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟାଲ କୋଡ଼ ଦେବ, ପିନ୍କୋଡ଼, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ଆମକୁ ସୋ କରୁଥିଲା କି ନୋ ସ୍କିମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, କାରଣ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ ଏଇଠି ଯେଉଁ କରିବେ ଆପଣ ନିଜର ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କଲେଜ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଆମର ଅଛି KKS କଲେଜ, ବଟ KKSର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ତ ଆସିଗଲା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପିଲାର ମୁଁ ପକାଉଛି, ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ନୋ ସ୍କିମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ତ ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଡ଼, ତାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଡ଼ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ପଛେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ଧର ସପୋଜ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ଆସୁନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ସୋ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କୁନ୍ତଳା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅପସନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଯେମିତିକି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି, ଯାହା ବି ଥିବ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। KKS ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଖାଲି, ତେବେ ବି ଆସିଲାନି, ନୋ ରେକର୍ଡ଼ ପାଉଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଖାଲି କେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, କେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ KKS ଭିତରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସେ ବି ଆସିଲାନି। ଦେନ୍ ମୁଁ କେବଳ କ'ଣ କଲି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ FM ବଗେରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲେଜରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେବ। କେରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ଆସିଲା, ଯେଉଁ କଲେଜ ଭିତରୁ ମୋତେ ମୋ ନିଜ କଲେଜଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବ, ସେପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ 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 ମାରି ଚାଲିଲି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ ମିଳିଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତର, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀର ମିଳିଗଲା। KKS ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଡଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଦେଖିଲେ ତ ମୋତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଟା ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ନୋ ସ୍କିମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଫଲୋ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଜ୍ କରିକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବନି, ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବି ଫସିଯିବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନୋ ସ୍କିମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ପଢୁଛି ଆପଣ ବିଟେକ୍ର ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ, ତା ସହିତ ଅନର୍ସ ଯଦି ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ତ ଅନର୍ସରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ପାସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସିମ୍ପଲି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିସିପ୍ଟ ଥିବ ଦେଇଥିବେ, ସେଇଥିରେ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ, ସେ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଲେଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବେ କି ସାର୍ ମୋର କେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ NSP ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ମୋତେ ଲାଗିବ, ତ ସାର୍ମାନେ ବି କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରସିଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରସିଦରେ ଡେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଥିବ। ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛ ଆପଣ ନିହାତି, ତ ତାର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିବ, ସେ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ରସିପ୍ଟରେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍, ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍, ତାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ବି ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କ୍ଲାସ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଥିବ ସେଇଟାକୁ ବି ଲେଖିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁଟା 2024ରେ ରହିଛି, ତାପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ BSc 012 ଏମିତି ଥିବ, କି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ BA, କମର୍ସ ପାଇଁ BCom, ଏଭଳିଆ ଥାଏ ନା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତ ସେଇଭଳିଆ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଥିବ ଦେବେ, ନହେଲେ FBC ଆପଣ ମନରେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ସେଟାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଇଦେଲେ ଧର ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ରେଗୁଲାର ଦେବେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ଆଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ ଯଦି ରହୁଥିବେ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଥିବେ ନ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା, ତ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସୋ କରିବ ନାହିଁ 10th ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାର ବୋର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କ'ଣ ନେବ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କରୁଛ CHSE, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ବି ପାଇଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନା ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ,
ओडिशा सर्च कलर को आसू ना तो आम बीएससी ओडिशा नुहे सीएचएससी ओडिशा सॉरी सीएचएससी सर्च कले मिल जाए काउनसिल ऑफ हायर सेकेंडरी आसा ठीक अच्छे आपड़ टी सर्च करेंगे भितर खोजिके ये जिनस गुटा प्रपरली खोजिके बाहर करेंगे ये टे भूल आप प्रोब्लेम होपर सबमिट नब ना देन आप जो प्लस टू जितक मार्क परसेंटेज थी से लिखे तापर इंटरमीडिएट मुदेली जमी जमी देली सेमती देदेवे आसे टेन्थ क्लास डिटेल्स मांग जो टेन्थ रोल नंबर वगैरह देते प्रीवियस ईयर रे कौन देते प्लस टूटा जोटा आप पढ़ी बर्तमान एडमिशन होती पूर्वटा धर प्लस थ्री एडमिशन होती प्लस टूटा देते जो मेट्रिक मागे से मेट्रिक देते आज मैंने प्लस टू पिला से कौन करेंगे प्रीवियस भी मेट्रिक देते मेट्रिक जदि सो नक स्कीप करेंगे मेट्रिक जगह ही मेट्रिक देते तो ये कम रहा डिफरेंट आज जो पीजी करते प्रीवियस प्लस थ्री देते मेट्रिक जगह मेट्रिक देते बुझिपाल तो एमती करके पड़ो एंड लास्ट को आप प्लस टू पर आउ थे मागे जो आपको सेम डिटेल्स जो आप प्रीवियस देते से डिटेल्स को आउ थे देदेवे रोल नंबर कौन आप सर्टिफिकेट उपर मेनसन थी री एंटर रोल नंबर आप थे एंटर करेंगे देन बोर्ड नेम रे आपण सिलेक्ट ही कर देथिबा आगुआ तापरे केबे को योर पास आउट एंड केते मार्क रखथिले परसेंटेज रे सेटा लगे कि आपण आगो को जीवाक पड़ो तापरे एटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण जदि प्रिपेयर करचेंती रखिबे नले ताको भी स्किप कर देबे सेटा भी किछि भरिबा आवश्यक नै नेक्स्ट कर देबे नेक्स्ट कला परे एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स हे जीवो तापरे आपण को गोटे स्कीम अवेलेबल हे जीवो एट जेंसोडा जदि आपण को शो करूनी ताने पूर्व मु जो जो कॉलेज गुड़ा सर्च करिया कहली जमीक प्लस टू पर प्लस थ्री अलग सेम कॉलेज रो अलग अलग कोड ताको सर्च करके आसवे एक्जाक्टली सेम प्रोसेस रो तो आपंकर प्रोब्लेम टा सॉल्यूशन हे जीवो ठीक अच्छे नेक्स्ट आपको सीटी आप कोर्स सिलेक्ट करने आर्ट्स कमर्स सैंस जहाँ भी थी प्लस टू रे प्रीवियस ईयर में आज पकेबे जेहतु आप प्लस थ्री पढ़ुंत लास्ट टाइम आप प्लस टू थी प्लस टू सैंस कोर्स हिसाब से यहाँ मिले सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मान को मिले तो आपको कोर्स सिलेक्ट करना पड़ो एक्स टू वाई रेहतु ये प्लस थ्री पर पकेबे कौटी एक्स टू वाई सैंस प्लस टू सैंस जो आप गला एप्लाय करेंगे एंड आर्ट्स कमर्स सैंस जहाँ भी थी सिलेक्ट करेंगे एंड सेवेन नेक्स्ट करेंगे सेवेन नेक्स्ट कलापर आप नेक्स्ट स्टेप आप कौन हो देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने मागे जोटा मैंडेटरी जो गुड़ा अच्छी आम विस्मय सूचक चिन्ह मैंने तल दीटा इनकम सर्टिफिकेट प्लस टू सर्टिफिकेट मैंडेटरी कास्ट सर्टिफिकेट जो मैं एससी एसटी देवाक पड़ो ना छाड़ पारे नेक्स्ट फाइनल सबमिट मारे अपलोड कलापर आपर एप्लीकेशन सक्सेसफुल योर एप्लीकेशन एतिक हेज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली प्लीज गो टू माई एप्लीकेशन पेज टू चेक एप्लीकेशन स्टेटस तो माई एप्लीकेशन को जब वर्तमान एंड एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे आप एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन देखाई इंस्टिट्यूट लेवल रे ये आपको सब जिन देखिपारे कौटे वेरीफाई है केवे टाँचा आसा एव्रीथिंग आपण ये स्टाटस चेक करेंगे जो ओटीआर नंबर और पासवर्ड देते हैं सेटा को रखिए नेक्स्ट इयर पर्यंत आप रिन्यूअल कला बेले आपंकर सेम जिनस लगे ठीक अच्छे जदि विड्रो करने चाहती कि आसिक विड्रो करेंगे कह तो विड्रो कर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म रे मारे या प्रिंट करेंगे आ सब जाक डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी सहित नहीं कि कॉलेज रो डिपॉजिट कर देबे आपनकर अप्लाई हो जाबो वीडियो जदि भल लगी थे शेयर कर देबे संग मान को सहित आउ मोर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सब इनफॉर्मेटिव एंड एग्जैक्ट वीडियो पाया जय जगन्नाथ।